भाई साहब आपके पैसे काटूंगी मैं, फिर कंप्लेंट करूंगा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है सोमवार और आज है पापा का व्रत, तो पापा के लिए वंच बना रहे हैं आज मैंगो शेक, वो भी ग्लेंडर से। तो चलो बनाते हैं मैंगो शेक। वंच ना जूस वाला बन गया है गर्मियों में, कभी बनाना शेक बनाता है तो कभी तरबूज का जूस बनाता है, कभी कुछ बनाता है। तो आज वंश बना रहा है पापा के लिए मैंगो शेक। तो वंश ने दो आम ले लिए और इसको छील लिया है, तो देखते हैं वंश कैसे बनाता है। हम थोड़ा सिंपल ही बनाएंगे क्योंकि सामान नहीं है ना अभी। सिंपल बनाएंगे हाँ। हमारे पास वो तो रखे है ना बादाम, ऊपर से काट के हम बादाम डाल सकते हैं, पतली पतली लेयर वाला। हाँ पतली पतली लेयर काट के अच्छे से सजा के फिर काटते हैं छोटे पीसों में। हाँ तो चलो वंश बना रहा है मैंगो शेक, तो देखते हैं वंश कैसे बनाता है। मैंने तो कभी मैंगो शेक वगैरह कभी नहीं बनाए क्योंकि मुझे आते ही नहीं है शेक। जल्दी बना ले। पहले इसके छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे, इसको काटना पड़ेगा। बस वंश एक 1.5 साल का था ना, छोटा सा। हाँ तो उसको आम का बड़ा शौक था, आम को देख के ना ऐसा हो जाता था मुझे बिल्कुल अभी चाहिए। अच्छा फिर मैं इसको, पापा ना आम लाते थे इसके लिए, फिर मैं इसको ना आम जैसा आम खाता था ना छील के देती थी पूरा उसको। हाँ तो उसके ना कपड़े उतार देती थी। क्यों? निकर में पूरा सन जाता था, इसको आम का बार बार चाहिए था। अच्छा हाँ तो मैं इसको ना आम खिलाती थी ना, मक्खी भी चिपक जाती थी ऐसा आम का सब। आम छोड़ता ही नहीं था ये, इतना पसंद था आम, ज्यादा आम तो इसको बहुत पसंद है। तो चलो हमने छोटा छोटा काट लिया वंश ने। मम्मी मम्मी गुठली खानी है? नहीं शेक पीना है, शेक पीना है। वंश कितने ग्लास बनेंगे इसमें? पापा का मेरा तो बन ही जाएगा, 6 ग्लास। 6 ग्लास बन जाएंगे, फिर एक मम्मी का, एक पापा का 2, एक मेरा 3, 4, 5, सोनू भैया का 6। ठीक है इतना नहीं बन पाएगा, पतीला छोटा है, बड़ा पतीला लाना पड़ेगा। हाँ पतीला बहुत छोटा लाया है वंश, पतीला बड़ा इसमें बन नहीं पाएगा। वंश हमारे पास कितने आम रखे हैं? 4। तो और ले लेना फिर सबके लिए बन जाएगा ना। ठीक है ठीक है, और आम ले ले अभी कम है। तो हमने मैंगो शेक बनाने के लिए एक आम और ले लिया है, और ये देखो इसकी शेप बिल्कुल आम की तरह है, जैसे आम होता है। देखो ले वंश, हो गया था। मैं 5 मिनट के लिए बाहर क्या चली गई, सबने मैंगो शेक पी लिया। देखो मम्मी और बुआ सबने मैंगो शेक पी लिया, कैसा टेस्ट था मम्मी? कैसा लगा वंश का हाथ का मैंगो शेक? बहुत अच्छा। बनाया है बहुत अच्छा, तो इसलिए हमसे सबर ही नहीं हो रहा था, हम सोच रहे थे गर्म हो जाएगा पी लेते हैं, इसलिए पी लिया। अब क्या करें बताओ। तो सबने पी लिया, और ये देखो पतीला भी खाली कर दिया, और मेरे लिए इतना सा छोड़ा है मैंगो शेक। तो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ वंश को कि वंश जूस की दुकान खोल सकता है या नहीं। वंश जूस वाला, वंश तो मेरे को सब बना बना के पिलाता है, उधर केले का पिलाया से, कभी ये वाला पिलाया से। लेकिन एक चीज देखी तुमने अभी 2-3 दिन बाद, टेस्टी है, वेरी फैंटास्टिक। वंश बन सकता है। तो दोपहर हो गई है और सब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो अम्मा भी सो रही है, वंश भी, प्राची भी सोने वाली है। गर्मियों के टाइम ना दोपहर में सब थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि दोपहर में कोई भी बाहर नहीं घूमता, अब सब शाम को ही निकलेंगे। तो मम्मी भी आ गई थी, ये देखो मम्मी भी लेटी हुई है और मम्मी भी। तो शाम हो गई है और कल था मदर्स डे, और मैंने कल गिफ्ट में मम्मी को दिया था फ्रेम, फोटो फ्रेम। कल था मदर्स डे, तो परसों गई थी मैं हाथ के हाथ फोटो स्टूडियो, तो मैंने फोटो वगैरह दी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें बड़ी मम्मी तो रह ही गई। तो आज मैं दोबारा गई थी, आज सुबह गई थी मैं, तो फोटो फ्रेम मैंने चेंज करवाया है। तो मैंने फोटो फ्रेम चेंज करवाया है, तो अब ये बन के आया फोटो फ्रेम ये वाला, क्योंकि इस वाली में देखो ये पहले वाला था तो इसमें ना बड़ी मम्मी नहीं थी, तो इसमें से मैंने 1, 2 ये वाली फोटो कटवा के तब मम्मी की डलवाई है। तो अब ये बन गया फोटो फ्रेम। मम्मी अम्मा आप कैसा लग रहा है? सही लग रहा,
अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है ना? तो हमने फोटो फ्रेम यहाँ पे लगा दिया, अब इसमें मेरी सारी मम्मी है, अब अच्छा लग रहा है। बाकी गाइस आज घर पे आ गई हैं वोट डलने की पर्चियाँ। अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि ना इसमें पता है मम्मी और पापा वगैरह के नाम ना इसमें गलत लिखे हैं। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले मेरे बाबा की पर्ची है, मेरे बाबा का नाम था गंगा राम, तो इसमें क्या लिखा है? गम्मा रामा, गम्मा रामा। अभी उसके बाद आता है अम्मा का सही है सावित्री, और फिर उसके बाद है बुआ का नाम है पूनम, तो इसमें लिखा है पूनमा। बुआ तुम्हारा नाम पूनमा कर दिया। हाँ देखो गलत लिखा है। फिर उसके बाद आता है बड़ी मम्मी का नाम है रुकमणी। हिंदी में तो ठीक लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रुकामानी। कौन है रुक? कहाँ से आते हैं? रुकामणि कर दिया बुआ इसमें। इसके बाद आता है पापा का नाम है निखिल कुमार, तो इंग्लिश में क्या लिखा है? निखिला कुमारा। ये क्या है? मम्मी का ठीक है। मम्मी पढ़ो, इसमें सब गलत लिखा है। अब मम्मी चेक कर रही है। मम्मी पढ़ो। मेरा नाम रुकमणि कर दिया। रुकमणि और का है? रुकमणि छोटा। अच्छा छोटा और है? हाँ। नहीं तो सही है। नहीं मम्मी। हाँ रुकमणि कर दिया ना गलत। दादा का पढ़ो, दादा का। मम्मी निखिला कुमारा। मम्मी आज क्या बना रही हो खाने में? वाओ, अभी तो मम्मी सिर्फ गोभी आलू फ्राई कर रही है, ये देखो जीरे में, और इतनी टेस्टी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज पापा का व्रत है ना, इसलिए मम्मी खाना जल्दी बना रही है। तो यहाँ पे मम्मी ने टमाटर और हरी मिर्च काट के रख ली है। मम्मी आज तो प्याज वगैरह डलेगी नहीं इसमें, है ना? पापा का व्रत है, सिंपल बनाओगी ना। तो शाम हो गई है और बुआ लगा रही है मोटर पानी भरने के लिए, और ये देखो वंश ने तार का जुगाड़ करा है। पहले हम तार इसमें ऐसी लगाते थे, अब वंश ने इसमें बोर्ड लगा दिया, अब हमें करंट भी नहीं आएगा और तार भी इधर उधर नहीं होएगा। है वंश? अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। है क्या हुआ? मैंने ही लगाया, पापा ने लगाया। अच्छा पापा ने लगाया है। मैंने अकेली ने उठाया कूलर इतना भारी। हाँ तो मेरे लिए कूलर लगा हुआ था ऊपर, तो वंश ने ठीक करा था, मैं इसके पैसे काटूंगी क्योंकि वंश ने ठीक करा था। और ये ना चला नहीं, मतलब ऐसे चल रहा था जैसे हम घर घर खेल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे उतार दिया। अब मैं टेबल फैन लगाऊंगी और मैं भाई साहब आपके पैसे काटूंगी, ठीक है ना? आपने इसको पूरा तरह से ठीक नहीं करा, मैं फिर कंप्लेंट करूंगा। नहीं कंप्लेंट क्यों करोगे? मेरे पैसे काटे जा रहे हैं। नहीं जब मैंने आपको दिया है ठीक करने के लिए, जब तो आपने ढंग से ठीक क्यों नहीं करा? नॉर्मल कवाड़ा कूलर है, कैसे थोड़ी बन जाएगा? फिर भी उसमें मैंने आपको कितने पैसे दिए थे ठीक करने के, जब मैं पूरा खुला पैसा दे रही हूँ तो आपने पूरा ऐसे ठीक क्यों नहीं करा ढंग से? क्यों? मैंने 150 रुपए दिए थे ठीक करने के। 150 रुपए 50 रुपए तो दिए नहीं है। कंडेंसर लगाया तुमने नया, फिर भी उसमें कितने का? 40 रुपए का कंडेंसर आया। 40 रुपए तो 40 रुपए पैसे नहीं होते? तो कम से कम हवा तो दे रहा था। ऐसी हवा दे रहा था जैसे हम घर घर खेल रहे हैं, जैसे हाथ से ऐसे हिला रही हूँ मैं। आप काम अच्छा नहीं करते हो, मैं बता रही हूँ, इनसे कोई भी काम मत करवाना। नहीं तो हमारे पैसे भी लिए इन्होंने और ऊपर से अच्छा भी काम नहीं करा है। मजा आया। मैंने पंखा दिया वो सही चल रहा है। हाँ बुआ ने जो मुझे टेबल फैन दिया है ना वो उससे सही हवा दे रहा है। मम्मी दूध निकला। तो पापा पूजा करके आ गए, पापा खोलेंगे अपना व्रत। तो मम्मी ने टेस्टी सी सब्जी बनाई है, मम्मी दिखाना। तो मम्मी ने इतनी टेस्टी सी सब्जी बनाई है, आलू गोभी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो पापा अब अपना व्रत खोलेंगे, तो चलो पापा को खाना देने चलते हैं।
ये लो बाबा। बाकी गाइस मैं 2-4 दिन से बहुत ज्यादा लेट उठ रही हूँ, तो कल मुझे पार्क जाना है योगा करने के लिए, तो कल मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा। तो सुबह 5 बजे उठ के चलेंगे हम पार्क योगा और एक्सरसाइज करने। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।